जय भोलेनाथ दोस्तों, 12:07 हो चुकी है आफ्टरनून की और आज थर्सडे वीकली एक्सपायरी। तो डिस्क्लेमर सबसे पहले देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ और राइट भी हो सकता हूँ, इसीलिए कभी भी आप कोई काम करते हो तो अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके करिए और वो हो सके तो सेबी रजिस्टर्ड हो तो ज़्यादा बेटर आपके लिए। चलिए अब आ जाइए, पहले मार्केट देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ, उसके बाद हम बातें भी कर लेंगे। ये देखिए 17,504 निफ्टी आ चुका है नीचे, आज 416 का लो बना दिया और 579 का करीब करीब हाई बना दिया इंट्राडे में, 579 फ्यूचर में। लेकिन स्पॉट में कितना बना वो भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पॉट का हाई देखने के लिए हमको चार्ट खोल लेते हैं हम। स्पॉट में हाई कितना बना आप देखो दोस्तों, अभी तक बना है 543.25। अब आज मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर गिरे ऊपर आएगा ये तो मार्केट बाद में बताएगा, लेकिन आपकी नॉलेज कितनी है वो आपको खुद को जानना चाहिए। तो अगर मार्केट आज किसी भी कारण से 520 के ऊपर क्लोज करता है, लिख लीजिए आप लोग, 520 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 520 कौन सा स्पॉट का लेवल, जो आज का हाई कितना है 543 और आज का लो कितना है, रुकिए आज का लो कितना है अभी तक का, क्या हुआ 379 तक का लो बना दिया, काफ़ी बड़ा लो बना दिया। आज मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, कुछ काम था मुझे तो मैं आज ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ मीटिंग में मैं हूँ आज। तो 379 आपका लो बना दिया, अच्छा खासा लो। अगर आप देखो तो कल कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज 379 दिखेगा, क्योंकि कल क्लोजिंग हुई थी 469 और आज तेज़ी से खुला जैसा मैंने बोला था आपको। और सुबह वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि रोज़ एक ही बात को क्यों बोलूँ, मैं 3:30 के वीडियो में पूरा क्लियरली समझा दिया। अब एक जो बात रह गई थी समझाने के लिए वो ये थी कि अगर 520 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक या दो दिन और तेज़ी रह सकती है, लेकिन 90% मुझे लगता कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये मार्केट है, ये किसी की भी बात पे नहीं चलता है। अब आ जाते कल हमने क्या बोला था, 3:30 पे ही मैंने वीडियो बना दिया था, 3:33, यानी कि कुछ नहीं देखता हूँ डाव वाव कुछ। तो यहाँ सुनते हैं थोड़ा सा उसका अंत सुनते हैं हम क्या बोल रहे हैं। 590 के बीच बनना चाहिए कल का जो हाई बनेगा। एक क्या लिखा हुआ यहाँ पे, एक मिनट, और क्लोजिंग बेसिस कलम बहुत नीचे आए। तो आप देखो ये हो गया फ्राइडे का हाई, ये आज का हाई, वी शेप। अब वी शेप इसको क्रॉस कर देना था भाई, 490 के ऊपर क्लोज दे देता आज। जब तूने क्लोजिंग आज की 469 की दे दी तो 490 दे देता, ताकि फ्राइडे के ऊपर क्लोजिंग भी आती, ब्रेकआउट भी मान लेते हम लोग, है ना। और 490 को क्यों बोल रहा हूँ, 501 को भी छू लेता आज 20, ये कल छुएगा। अब कल क्या होगा, ये मैंने यहाँ पे तैयार, ये मैंने आपको दोपहर को दिखाया था एक जोन, क्योंकि इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप देखो ये जोन मैंने आपको दिखाया था, आज का हाई देखिए एग्जैक्टली इस जोन पे बना। मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 482-560 स्पॉट, बिग सेलिंग जोन, बिग सेलिंग जोन, ये मैंने वीडियो भी दिखाया था। इस जोन पे आते ही निफ्टी आज हाई बना के रुक गया, लेकिन ये जोन कितना बड़ा है, 480 से 560 का है। तो अभी कल 560 के करीब जाके ऐसे गिरेगा, क्यों 560 जाएगा, क्योंकि 501 इसकी 20 SMA है, उसको भी कल छुएगा। तो कल का हाई 540 से लेके 590 के बीच बनना चाहिए, कल का जो हाई बनेगा वो 540 से लेके 590 के बीच में कहीं पे भी बन सकता है, 540 से लेके 590। लेकिन कल डेफिनेटली 1000% एश्योर्ड है कि कल रेड क्लोजिंग आएगी। तो ये बातें मैंने 3:30 ही बोली कि कल का हाई 540 से 590 के बीच बनना चाहिए, और इसके रीज़न भी समझाए क्यों बनना चाहिए, ये आपको दिखाया भी। तो अब बार बार मैं यही बात बोलूँ सुबह भी, तो सुबह क्या किया मार्केट ने, 543 का हाई बनाया और वहाँ से गिर के कितना आया, सीधा 379 आ गया, 543 का हाई बनाया। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सारे राइट है कि नहीं, तो
3:30 बजे ऐसा कितने लोग वीडियो बनाते हैं, आप खुद देख लीजिए, खुद समझदार हो, है ना। तो क्यों मुझे बार बार यही बात बोलनी पड़ेगी। हाँ, अगर आज 520 के ऊपर की क्लोजिंग आती है इस 50 EMA के ऊपर, तो मार्केट दो दिन और तेज रह सकता है, लेकिन मुझे 80% तो नहीं लगता, 20% मैं मार्केट को देता हूँ। तो यही बात है, मुझे करनी थी और कुछ नहीं। अब क्योंकि देखिए ब्रेकआउट तो आया आज, ये जो वी शेप रिकवरी हुआ उसका ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन कब होगा, जब 490 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी आज। लेकिन क्लोजिंग का तो अभी पूरा दिन बचा है, अभी तो 12:13 हुई है, तो अभी टाइम है। तो क्लोजिंग 520 के ऊपर आती है तो शॉर्टर को डरना चाहिए, ठीक है, वरना आपको मैंने जैसा कल बताया था वो मार्केट तो ये इसी राह पे आने वाला है, ठीक है, ऐसे आने वाला उल्टा, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया ऐसा और फिर ऐसा आने वाला है, ये 2-3 दिन में ही आ जाएगा, बहुत फास्ट आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को, छोटों को मेरा आशीर्वाद और बड़ों को मेरा प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।